सही बात है यार, एक्सपीरियंस इंसान तो लेना चाहिए। बट जो भी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यूर इंडिया चैनल को बर्बाद करो। ओ अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, जबकि शायद 7 महीने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक व्लॉग, शायद ये छोटा सा होगा। मैं अभी जम्मू में आया हूँ, शायद कम से कम 6 दिन हो गए मेरे को जम्मू में आके। तो ये चेकआउट कीजिए, मेरा ये मेरा घर है, ये बठिंडी में है और सिटी से 7 किलोमीटर दूर है बठिंडी, जहाँ पे बहुत सारे लद्दाखियों ने घर लिया हुआ है। तो ये कुछ हमारे लद्दाखी भाइयों का घर है, और ये हमारा जो अभी प्रेजेंट सीसी साहब है उनका घर है, और ये हमारे कुछ रिश्तेदारों का घर है। ये इस साइड भी है बहुत सारे। तो चेक कीजिए हमारा न्यू व्लॉग, आपको बहुत अच्छा लगे। तो ये हमारा फरीन बहुत खेल रहा है मिट्टी के साथ। कर रहे हो आप? हाँ, क्या कर रहे हो? केक बना रहे हो? किसके लिए केक बना रहे हो? चाचू के लिए। चाचू के लिए केक बना रहे हो? ऐसा कौन चाचू के लिए केक बनाता है? हाँ, वाओ। और किसके बना, किसके लिए बना रहे हो? चाचू के लिए? और हाँ, ये किसके लिए बनाया है केक? किसके लिए बनाया है? ये हमारा आफरीन था, भाई का लड़का है मेरा, बहुत प्यारा है, फैमिली है। उसमें से मुझे सबसे अच्छी यही दोनों लगती है, यही दो लड़कियां लगती है। तो ये दोनों बहुत प्यारे हैं, मुझे भी बहुत इनसे बहुत प्यार है। तो आपको अभी हम थोड़ा अपने घर का सिनेमेटिक भी दिखाएंगे, घर का। और यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे फूल लाए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज लाए हुए हैं, उनका आपको थोड़ा दिखाते हैं आपको सिनेमेटिक। तो चेक कीजिए। तो गाइस, हम अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं, फ्राइडे नमाज पढ़ के आ गए हैं, तो अभी घर पहुंच गए हैं। मैं अभी छत पे आ चुका हूं, तो बाहर जाने का प्लान था तो अभी कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है और बारिश भी आने का चांस है। तो हमारे पास गाड़ी तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी मार्केट में हमें जगह नहीं मिलता है, पार्किंग का जगह या कभी रुकने का जगह नहीं मिलता। तो इसीलिए हम स्कूटी सोच रहे थे लेके जाएं, तो अभी तो बारिश हो रहा है, तो बारिश में तो स्कूटी जा नहीं सकते। तो भाई लोग देखो, मैं कुछ अपनी छोटी बात बताना चाहता हूँ। तो लाइफ में इंसान को देखो एक्सप्लोर करना चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे व्लॉगिंग हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे या घूमना हो, या पढ़ाई हो, या कुछ भी हो, काम हो, वो सब एक्सप्लोर करना चाहिए। इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज़ में, चीज़ से इंसान एक्सपीरियंस होता है। हमें लाइफ में कोई सीख के नहीं आता, जब हम बच्चे होते हैं तो एक्सपीरियंस, हर चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं वही बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लाइफ जो है वो छोटी सी चीज़ है, लाइफ 4 दिन की चांदनी है, तो उसको इंजॉय कीजिए अच्छे से। देखिए, मेरा मेन जो है वो व्लॉग बनाने का मोटिव ये है कि मेरा व्लॉग देखता है या किसी को अगर बाई चांस ये फीड में आ गया तो वो देखेगा, तो वो वही देखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इंसान को अपनी तरफ से जितना हो सके एक्सप्लोर करना चाहिए। 7 महीने के बाद पहला व्लॉग है, तो मैं बस इसी की शुरुआत यही अच्छी अच्छी बातों से करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ है। बहुत मैं सोचता हूँ कि जो हुआ, जो बुरा चीज़ हुआ मेरे साथ, वो हर बंदे के साथ होना चाहिए, क्योंकि इससे इस एक्सपीरियंस मिलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने मुझे धोखा दिया या मेरे फ्रेंड के वजह से, नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहा हूँ। जो इंसान को मतलब किसी चीज़ में भी अगर तुमको बैकलैश मिल रहा है, आपको ज़िंदगी में आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो वो एक चीज़ का वो है, मतलब एक्सपीरियंस इंसान को, इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखिए, इंसान को
कुछ भी हो एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंसान को चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, उनको हर चीज़ सीखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए इंसान को। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई यूट्यूबर से मुझे इंस्पायरेशन मिला है। जैसे कि हो गया मुंबई का निखिल, मैं सबसे पहले जो है मुंबई का निखिल को देखता था, पहले बहुत साल पहले देखता था, उसका व्लॉग मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, किस चीज़ पे बनाना है, कैसे मतलब और कंटेंट को कैसे बनाना है, कंटेंट को कैसे बनाना है, डेली जो व्लॉग डालते हैं हम वो कैसे डालना है, और एडिटिंग कहाँ करना है, किस फ़ोन पे करना है, कैमरा चाहिए या मोबाइल चाहिए, ये हर चीज़ मुझे पता नहीं था तब, क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था। अभी मैं मतलब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, इतना भी बड़ा नहीं कि मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, इतना नहीं, मैं अपने मतलब 25-30 के एज में आ गया हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि ब्लॉग को कैसे शूट करना है, किस हाथ में दर्द। आपको किसी के साथ भी बात करना हो तो अच्छे से बात करना चाहिए। देखो अपने दिल में कुछ उसके लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बाकी उसको जो समझना है समझ लेना। तो अपना लाइफ खुद के हाथ में है, तो एंजॉय करो अपने लाइफ अच्छे से। टाइम बचा हुआ है शायद में भी 3:18, तो अभी इतना अंधेरा हो गया है, तो बारिश भी आ रहा है, तो मैं नीचे जाता हूँ, शायद बारिश भी आने वाला है, थोड़ा आ भी रहा है अभी बारिश। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मैं आगे से मैं कंटिन्यू रखूँ ये व्लॉग, मैं भी कंटिन्यू रखूँ, तो मिलते हैं।